मसीह प्रियो, इस वीडियो में हम एक सवाल का जवाब वचन के नजरिए से जानेंगे और वो सवाल है, क्या आज भी ईश्वर सपनों के द्वारा हमसे बातें करते हैं। आज से कुछ दिन पहले एक दीदी ने मुझे फोन किया और वो अपना सपना को मुझसे शेयर करती हैं। उन्हें स्ट्रॉन्गली ये लग रहा था कि वो जो सपना देखी वो ईश्वर की ओर से है, तो इसीलिए मुझे बताकर उसका इंटरप्रिटेशन चाहती थी। तो इस वीडियो में मैं वचन के नजरिए से इस सवाल का जवाब आपको दूंगा और आज के बाद आपको कभी भी सपन को लेकर कंफ्यूजन नहीं होगा। सबसे पहले जब हम बाइबल में देखते हैं तो सच में ईश्वर ने लोगों को सपनों के द्वारा कम्युनिकेट किया, यानी कि उनको वर्न किया, उनको भविष्य को लेकर बहुत सारे चीजों को पहले ही बता दिया। जेनेसिस में जब आप देखते हैं जोसेफ को ईश्वर सपना दिखाता है उसका भविष्य को लेकर, और वह सपना पूरा भी होता है। और जोसेफ एक ड्रीम का इंटरप्रेटर भी थे। जब वो इजिप्ट के जेल में बंद थे उन्होंने दो व्यक्तियों के सपने को इंटरप्रेट किया, फारो के कापबेरर और बेकर का, और दोनों का ही सपना को जैसा जोसेफ ने इंटरप्रेट किया ऐसा ही हुआ। फिर से फारो का सपना को भी जोसेफ इंटरप्रेट करते हैं और जैसा उन्होंने इंटरप्रेट किया ऐसा ही हुआ। और फिर से जब हम बुक ऑफ दानियल में आते हैं, दानियल भी महाराजा नेबुकदनेज़र के सपनों को इंटरप्रेट करते हैं और उनका इंटरप्रिटेशन सच होता है जब हम इतिहास को जब पलट के देखते हैं। और प्रेमिया चैप्टर 23 वर्स 32 में ईश्वर जो है ऐसे लोगों को वर्न करता है कि जो ईश्वर की ओर से है बोल के सपना लोगों को बताते हैं और मिसलीड करते हैं, असल में वो ईश्वर की ओर से नहीं है। ओल्ड टेस्टामेंट में ईश्वर कम्युनिकेट करते हुए हमें दिखाई दे रहे, किसके द्वारा? सपनों के द्वारा। अब फिर जब आप न्यू टेस्टामेंट में आओगे, जोसेफ यानी कि प्रभु के जो ये अर्थली फादर को भी ईश्वर सपनों के द्वारा वर्न गाइड करते हुए हमें दिखाई देते हैं, और फिर से पायलट के पत्नी को भी सपना आता है। तो क्या आज भी ईश्वर हमसे सपनों के द्वारा बात करता है? जब आप सपने कुछ कुछ देखते हैं उस सपनों को क्या आप ये समझ सकते हैं कि वो ईश्वर की ओर से है? तो इसको जानने से पहले आज का जो समय है, ईश्वर का जो ये चर्च एज में ईश्वर कैसे हमसे बातें कर रहा, आपको ये पता होना है कि जो 66 बुक्स है न्यू टेस्टामेंट और ओल्ड टेस्टामेंट का मिला के, वो फाइनल ईश्वर का रेवलेशन है, यानी कि आपका फेथ, आपका प्रैक्टिस, एवरीथिंग, सब कुछ को लेकर ईश्वर का वो रेवलेशन है, यानी कि ईश्वर का इच्छा को वहाँ पर प्रकट किया गया है। वो जो कैनोनाइज 66 बुक्स थे, बुक्स जो बाइबल के हैं, ये बात आपको समझनी है। और इसीलिए वचन कहता है कि ये जो 66 बुक्स है वो सफिशिएंट है आपका टीचिंग के लिए, आपका गाइडेंस के लिए, हर एक जो जीवन के एस्पेक्ट्स के लिए वो काफ़ी है। इसीलिए वचन वर्न भी करता है, ना ही कुछ एक्स्ट्रा ऐड किया जा सकता है उसमें और ना ही उससे कुछ ले लिया जाएगा। 66 बुक्स है, दैट्स फाइनल कंप्लीट रेवलेशन ऑफ गॉड फॉर एवरीथिंग फॉर द इटर्निटी वहाँ पर हमें दिखाई देता है। तो इसका मतलब क्या है? ईश्वर ने सपनों के द्वारा कम्युनिकेट करना बंद कर दिया है। तो जब से ये कंप्लीट कैनोनाइज हुआ है ईश्वर का वचन, तब से ईश्वर उस तरह से कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं जिस तरह से वो बिब्लिकल समय में कर रहे थे, क्योंकि उस समय में ईश्वर का वचन प्रोग्रेसिव रेवलेशन में था, यानी कि वो कंप्लीट नहीं हुआ था। जैसे ही एपोस्टोलिक एज में वो कंप्लीट हो गया तब से ईश्वर उस प्रकार से कम्युनिकेट नहीं कर रहे। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आज ईश्वर सपनों के द्वारा कम्युनिकेट नहीं करते, वो करते हैं। किस प्रकार से? क्योंकि वचन कहता है कि अंत के दिनों में लोग सपने देखेंगे। जब आप पढ़ते हो बुक ऑफ एक्स में, पीटर कहता है कि जो जोल का भविष्यवाणी था वो अंत के समय में वो पूरा हो रहा है, यानी कि लोग सपने भी देखेंगे, बहुत सारे विजन, दर्शन, प्रोफेसी के साथ में सपने भी देखेंगे। लेकिन स्पेसिफिकली जब बात आता है उस प्रकार से, जब वो एपोस्टोलिक एज
वो अर्ली चर्च में जिस प्रकार से हो रहा था वो आज नहीं हो रहा। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आज प्रभु सपनों से बातें नहीं करते, करते हैं, लेकिन सभी सपनों को आप ईश्वर की ओर से है आप सोचने लगेंगे तो वो गलत हो जाएगा। आपको स्पिरिट में वो फील जरूर आएगा कि वो ईश्वर की ओर से है, लेकिन हर एक सपने को आपको वचन की रोशनी से देखना है, वचन से टेस्ट करके देखना है, वचन के साथ में अलाइन करके देखना है, क्योंकि कुछ कुछ सपने आपके जो शाम के जो डिनर खाए हुए वो भी सपनों में आ सकते हैं, यानी कि उसके कारण भी आपको बहुत सारे ऐसे सपने आ सकते हैं। सो टेस्ट ऑल द ड्रीम्स। धन्यवाद करता हूँ इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए। गॉड ब्लेस यू।